नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज तारीख है 25 मार्च और आज का डेली इंफॉर्मेटिव न्यूज़ शुरू करते हैं तो सबसे पहला न्यूज़ ये है कि स्वेज कनाल ब्लॉक हो गया है स्वेज कनाल में एक ठो शिप है जो अटक गया है शिप का नाम है एवर गिवेन और ये शिप का जो कंपनी शिप को ऑपरेट करता है उसका नाम है एवर ग्रीन तो हुआ ये था कि यह शिप स्वेस कनाल के अंदर से होके जा रहा था तभी बहुत ज़ोर से विंड्स आया डेजर्ट एरिया से और ये शिप को टिल्ट कर दिया मतलब टेढ़ा कर दिया और इसके कारण शिप ने पूरा कैनल को ब्लॉक कर दिया और यहाँ से अब कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है और स्वेस कैनल कितना इम्पोर्टेंट है मैं ये आपको डेटा से बता रहा हूँ जो भी ग्लोबल ट्रेड है उसका बारह परसेंट स्वेस कनाल से होके पास करता है जो भी ऑयल ट्रेड है और जो सी से होके जाता है उसका टेन परसेंट स्विस कनाल से होके जाता है और ग्लोबल एल का जो भी होता है ट्रेड उसका एट परसेंट स्विस कनाल से होके जाता है तो स्विस कनाल कितना इम्पोर्टेंट है ये सब डेटा से आपको पता चल गया और हर साल इजिप्ट फाइव पॉइंट सिक्स वन बिलियन यूएस डॉलर कमाता है टोल टैक्स के तौर पर स्विस कनाल से स्वेज कनाल में बहुत सारे शिप्स आते हैं तो उन लोग का उन लोगों पे टैक्स लगता है आने का फ्री में वहाँ पे आने जाने नहीं दिया जाता तो उसमें फाइव पॉइंट सिक्स वन बिलियन का रेवेन्यू कमाता है इजिप्ट और ये स्वेज कनाल पहली बार ब्लॉक नहीं हुआ इससे पहले भी ये ब्लॉक हुआ है और सबसे ज़्यादा टाइम तक ब्लॉक नाइनटीन से सेवेंटी तक के बीच हुआ था तब ये स्वेज कनाल आठ साल के लिए ब्लॉक हो गया था हुआ यह था कि सिक्स डे वॉर हो रहा था इसराइल और उसके जो नेबरिंग कंट्रीज है जो अरब कंट्रीज उनके बीच में तो इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला का एक बैंक मतलब एक बैंक को कैप्चर कर लिया था और इजिप्ट को यह लगा कि वहां से इसराइल इसके बाद रेवेन्यू अर्न करेगा बाकी शिप्स के लिए शिप्स जो भी जाएंगे वहां से तो इजिप्ट नहीं चाहता था कि कोई भी कंट्री इसराइल को टोल टैक्स देस कनाल से पास करने के लिए तो इजिप्ट ने स्क्वैश अर्थ पॉलिसी के तौर को अपनाया और अपने ही शिप्स के ऊपर बॉम्बार्डमेंट कर दिया और जो भी शिप्स थे स्वेस कनाल में उस वक्त उन सब के ऊपर बॉम्बार्डमेंट कर दिया इसके कारण हुआ यह कि पूरा कैनाल ब्लॉक हो गया और इसको क्लियर करने के लिए आठ साल लग गए तो स्क्वैश अर्थ पॉलिसी ये होता है कि अगर मेरा दुश्मन ये वाला मेरा जगह ले ले लेकिन मैं अपनी जगह में कोई रिसोर्स रखूँ ही ना था कि मेरा दुश्मन मेरे तक आगे और पहुंच पाए कोई भी टेरिटरी के अंदर तो ये हम लोग का स्क्वैश अर्थ स्क्वैश अर्थ पॉलिसी है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ आपका जापान और चाइना के वॉर के वक्त हुआ था जब जापानीज़ लोग अंदर आ गए थे पूरे चाइना के और तब कम्युनिस्ट पार्टी जापान को भगाने के लिए जापान जापान को भगाने के लिए स्क्वैश अर्थ पॉलिसी अपनाया था वो अपने ही जो भी लोग थे उन्हीं उन्हीं के कुआ में जहर जा, मिला देते थे, थे प्लस फसलों को आग उग लगा देते थे ताकि जापान के जो भी सैनिक आ रहे हैं अंदर चाइना के वो ना आ पाए तो ये स्क्वैश अर्थ पॉलिसी है और अभी एक दुनिया में दो तो बॉटल नेक्स है बॉटल नेक्स बेसिकली चोकिंग एरिया जो कभी भी चोक हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तो उस तो वो दो जगह है आपका पनामा और एक पनामा कैनाल आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पनामा देश में मिलेगा उसका लेंथ है टू एटी नाइन मीटर और ये स्विस्ट कनाल तो आपका इजिप्ट में है और इसका लेंथ है फोर हंड्रेड मीटर पनामा से जो शिप पास करते हैं उसको हम लोग पानामैक्स कहते हैं और पाना में आपका लॉग सिस्टम से शिप लेके जाया जाता है लेकिन स्विस् कनाल में कोई लॉग सिस्टम नहीं वहां पर शिप अपने आप ही चल जाते हैं वहाँ पे कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है फिर दूसरा न्यूज़ यह है कि इंडिया में डबल म्यूटेंट वेरिएंट कोविड वायरस का पाया गया है और ये अभी अठारह स्टेट्स में पाया गया है तो अभी दुनिया में इंडिया में इंडिया तीसरे नंबर पर पहुँच गया है सबसे ज़्यादा मौत के मामले में ड्यू टू कोविड नाइन्टीन इंडिया में कुल एक लाख साठ हजार लोग मरे हैं कोविड नाइन्टीन के कारण और ब्राज़ील अभी सेकंड पोजीशन में आ गया है इंडिया को टेक ओवर कर लिया और ब्राज़ील में तीन लाख लोग मरे हैं और सबसे आगे हैं यू एस ए जहाँ पे फाइव पॉइंट पीपल मरे हैं ड्यू टू कोविड नाइन्टीन हम लोगों का बॉडी बहुत सारे ऑर्गेन्स से मिल के बना है और ऑर्गेन्स बहुत सारे टिश्यूज से मिल बना है और टिश्यूज बहुत सारे सेल्स से मिल बना है और सेल्स के अंदर जीनोम रहता है तो वायरसेस के अंदर भी जीनोम्स रहते हैं लेकिन वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते हैं लेकिन वायरसेस में जो जीनोम रहते हैं वही डिसाइड करता है कि वो वायरस कैसा है अगर उसका जीनोम में आर है तो वो आर वायरस कहलाता है अगर उसके जीनोम में डी है तो वो डी वायरस कहलाता है वायरसेस किसी के बॉडी के एक सेल में पहले चल जाता है फिर वहाँ से वो अपने आप को रेप्लीकेट करना शुरू करता है दो से पहले एक से दो दो से चार वैसे करके बहुत सारे रेप्लीकेट करते हैं एक पर्सन के बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल है तो वायरसेस भी ट्रिलियंस ऑफ टाइम में अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं इसी रेप्लिकेशन के दौरान वायरसेस का जो जीनोम है वहाँ पे कोई एरर आ जाता है या फिर कोई मिस्टेक हो जाता है तो उससे वो म्यूटेशन हो जाता है मतलब जिस तरह से वो पहले अपने आप को रेप्लीकेट रहा था उस हिसाब से वो रेप्लीकेट नहीं करता उसका एक नया वर्जन आ जाता है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं म्यूटेशन में भी साइंटिस्ट का अलग अलग विचार है कोई साइंटिस्ट मानते हैं कि म्यूटेशन एवोल्यूशन का पार्ट है तो कोई मानता है कि म्यूटेशन गलती से हो जाता है डबल म्यूटेशन का मतलब है कि सिंगल टाइम में दो बार एरर आ गया उस वायरस में मतलब दो जगह पे चेंजेस आ गए तो ये डबल म्यूटेशन हो गया तो अभी साइंटिस्ट जो इंडियन इंडिया में जो डबल म्यूटेंट वायरस हुआ है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि अभी तक डबल म्यूटेंट वायरस कोविड का कहीं पे मिला नहीं था साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में जो भी वेरिएंट आया था उसमें सिंगल म्यूटेशन था लेकिन इंडिया में डबल म्यूटेशन है और ये एटीन स्टेट्स में भी फैल चुका है तो अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये ज़्यादा डेडली है कि नहीं लेकिन अभी इंडिया में कोविड नाइन्टीन के केसेज में अचानक से स्पाइक आ गया तो गवर्नमेंट भी इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं गवर्नमेंट भी कॉशियसली कह रहे हैं कि वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को ये इसमें दो दो पॉसिबिलिटीज ये हो सकता है कि पहला ये इंडिया में सेकेंड वेव आ रहा है और दूसरा कि ये जो नया म्यूटेंट है वायरस का डबल म्यूटेंट उसके कारण कोविड नाइन्टीन का जो इंडिया में केसेस है वो स्पाइक कर रहा है और अगर ज़्यादा डेडली हुआ ये वायरस तो इंडिया में वापस से लॉकडाउन लग सकता है उन स्टेट्स में जहाँ पे ये वायरसेस है लेकिन अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है कि ये जो डबल म्यूटेंट वायरस है ये कितना ज़्यादा डेडली या फिर डेंजरस है और इस वायरस डबल म्यूटेंट वायरस का जो डिस्कवरी किया वो है आई एन एस सी ओ जी इंडियन सार्स सी ओ वी टू कॉन्सोर्टियम ऑन जीमिक्स ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आता है इसमें बेसिकली टेन लेबोरेटरीज है इन्होंने ये कन्फर्मेशन किया कि हाँ ये वायरस एटीन स्टेट्स में इंडिया के पाए जा रहे हैं और डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो कोविड नाइन्टीन वायरस है उसका म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा स्लो है एज़ कम्पेयर टू इन्फ्लुएंजा एंड एच आई वी एड्स तो अभी भी हम लोग को प्रॉपरली जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कोविड नाइन्टीन में उसको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा मास्क और सैनिटाइजेशन क्योंकि ये हो सकता है कि जो वैक्सीन अभी मैन्युफैक्चर हुआ हो वो नया म्यूटेंट के सामने इनफेक्टिव हो तो हम लोगों को प्रॉपरली अभी भी सतर्क रहना पड़ेगा और मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा और इसके बाद तीसरा न्यूज़ है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का रिपोर्ट आ चुका है और फिनलैंड इस साल टॉप किया है और इसी के साथ फिनलैंड लगातार चार साल तक इस टेबल को टॉप किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा बनाया जाता है इसमें जो पैरामीटर्स को कंसिडर किया जाता है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी सोशल सपोर्ट इनकम फ्रीडम ट्रस्ट हेल्थ जेनरॉसिटी इसमें अनएम्प्लॉयमेंट और इनक्वालिटी को कंसिडर नहीं किया जाता है और इस साल दो में कोविड 19 मैनेजमेंट को भी इसमें एक पैरामीटर के तौर पे कंसीडर किया गया था और इंडिया ने रिमार्केबली बहुत अच्छा कोविड 19 को मैनेजमेंट किया था एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज इसीलिए इंडिया का रैंक में थोड़ा ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उन लोगों का रैंक है चाइना का 84 है मालदीव्स का 89, बांग्लादेश का 101, पाकिस्तान का 105, म्यांमार का 126, म्यांमार का रैंक और गिरेगा अगले साल क्योंकि इस साल वहाँ पे मिलिट्री कू हुआ है श्रीलंका का है रैंक है 129 और अफगानिस्तान का 149। सबसे ज़्यादा अनहैप्पी कंट्री अफ़गानिस्तान क्योंकि अफ़गानिस्तान इस टेबल को लास्ट किया है और इसमें यूनाइटेड नेशन का इसमें यू का रैंक है नाइनटीन सब सोचते हैं कि यू एस बहुत ज़्यादा खुश होगा लेकिन नहीं इसमें यू एस ए नाइनटीन रैंक पे है और ये बेसिकली इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो अमीर और गरीब के बीच में हैप्पीनेस से रिलेटेड या फिर इनकम रिलेटेड जो इनक्वालिटी है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ दो में इंडिया का रैंक वन था 2020 में इंडिया का रैंक 144 हुआ आउट ऑफ 156 कंट्री 2021 में इंडिया का रैंक 139 हुआ आउट ऑफ 149 कंट्रीज आपको लग रहा होगा कि इंडिया का रैंक सुधरा है पर ऐसा नहीं इंडिया का रैंक सुधरा नहीं है इंडिया का रैंक डिटोरिएट किया है क्योंकि नंबर ऑफ कंट्रीज आप देखिए पीछे से इंडिया का कितना पोजिशन ऊपर है पिछले साल इंडिया बारह पोजिशन ऊपर था पीछे से इस साल इंडिया पीछे से सिर्फ दस पोजिशन ऊपर है तो इंडिया धीरे धीरे हैप्पीनेस के मामले में डिटोरिएट कर रहा है और इस बार तो पाकिस्तान भी इंडिया से ज़्यादा हैप्पीनेस है इंडिया अपने रीजन में अफगानिस्तान को छोड़कर सबसे ज़्यादा अनहैप्पी कंट्री है अफगानिस्तान सबसे नीचे है वन फोर्टी नाइन्थ पोजिशन में और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को हमेशा नॉर्डी कंट्रीज टॉप इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्री एजुकेशन है हेल्थ केयर है प्लस वहाँ पे जो क्राइम रेट है वो बहुत कम है वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी है प्लस वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो मेनली होमोज है मतलब सेम सेम एथनीसिटी सेम रिलीजन के हैं और वहाँ के लगभग अधिकतर लोग प्रॉस्परस हैं मतलब वो लोग आराम से खर्च कर सकते हैं वो लोग उतना ज़्यादा सोचते नहीं है कि क्या हम लोग को इतना ज़्यादा खर्च करना चाहिए कि नहीं बाकी पढ़ाई हम लोग के बच्चों का पढ़ाई लिखाई के बारे में क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन फ्री है वहाँ पे पीएचडी तक एजुकेशन फ्री है प्लस कुछ कुछ कंट्रीज़ नॉर्डी कंट्रीज़ में आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी यहाँ तक फ्री है इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा हैप्पीनेस है नॉर्डी कंट्रीज़ एक ग्रुप है कंट्रीज़ का जिसमें डेनमार्क है नॉर्वे है स्वेडन है फिनलैंड है आइसलैंड है तो ये सब कंट्रीज़ को हम लोग नॉर्डिक कंट्री कहते हैं और स्कैंडवियन कंट्रीज़ में हम लोग स्वेडन डेनमार्क और नॉर्वे को कहते हैं होप करता हूँ आप लोगों को आज का ये डेली इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ अच्छा लगा होगा अगर आप लोगों को इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल जाए इसी के साथ ये वाला वीडियो एंड करता हूँ